आप हिसाब लगाओ कि कितने लोग मरते हैं दुनिया में आज ही आप आज की गिनती में ही ये कहानी झूठी पड़ जाएगी ये सृष्टि रचना की कहानी झूठी पड़ जाएगी कोरोना में कितने लाख मरे हैं आप हिसाब लगा के देख लेना 800 करोड़ लोग हैं कितने मरते हैं हर देश में कितने लोग मर रहे हैं लग जाएगा पता एक लाख खा रहा है कि कितने खा रहा है दूसरी त्रुटि क्या है वहां बोला गया कि पहले सब नर रूप में थे सारी आत्माएं नर थी कोई औरत थी ही नहीं जब काल भगवान ने पूछा कि मेरे साथ कौन चलना चाहता है तो जिसने सबसे पहला हाथ खड़ा कर दिया उसको परमात्मा ने नारी का रूप दे दिया देखो यानी वो दुनिया की पहली औरत बनी उस कहानी के हिसाब से जो बारहवें पंथ के गुरु हमें सुनाते हैं तो ठीक है उसने तो गलती करी हाथ उठाया इसलिए नारी बनी भी, भी। अरे तुम्हारी मां बहन कैसे नारी बन गई क्योंकि सारे बीज भी, तो पुरुष रूप में गए उसके गर्भ में क्योंकि वहां पर नारी कोई थी ही नहीं सारे जीव पुरुष थे जिसको हंस कहते तुम लोग हंसा हंसिनी हंसिनी तो एक ही बनी जिसने गलती करी वो पहले हंस था उसको हंस नहीं बना दिया उसका वही चेंज करवा दिया सब बॉडी ट्रांसप्लांट करवा दी उसकी चेंज करवा दिया सिस्टम तो वो अपनी गलती से अगर बनी है तो उस कहानी के हिसाब से बाकी औरतें कैसे आ रही हैं इस दुनिया में क्योंकि सारे पुरुष ही थे एक को छोड़ के ऐसा तो नहीं है कि आधो को औरत बना दिया आधो को आदमी जिसने पहला हाथ उठाया उसको स्त्री का रूप दिया गया तो ये बाकी कहां से आ गई और सतलोक में कहते हैं कि स्त्री भी रहती हैं पुरुष भी रहते हैं तो जो लोग यहां आ गए जो लोग यहां पर बैठ गए आके सारे के सारे तो वहां पर तो स्त्री कोई होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि वहां तो पहले भी सारे पुरुष थे तो वहां हंसा हंसनी कैसे हो गए भाई जब पहली बार सत्युग में कबीर साहब किसी जीव को लेके गए तो वहां पे हंसा और हंसनी कैसे हुए वहां लेडीज कैसे आ गई तो ये बहुत बड़ा सवाल है इसका जवाब नहीं मिल पाएगा जितना मर्जी जोर लगा लेना तहसील कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर छोड़ो स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी छोड़ो नेशनल कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना उसकी आवाज नहीं निकलेगी तो ये सृष्टि रचना केवल संकेत मात्र सृष्टि रचना है डुप्लीकेट है ये फिर कहते हैं अक्षर पुरुष को सतलोक में क्रोध आ गया आलस आ गया तो भाई क्रोध और आलस तो गुण है गुण में भी दुर्गुण है अभी तीन गुण तो आए नहीं उससे पहले ही सतलोक में दुर्गुण आ गए तो ये कैसे आ गए भाई सतलोक में भी विकार है विकारी सतलोक में हमने जाके करना क्या है फिर वही क्रोध फिर वही काम आ जाएगा कहते हैं वहां पर भी काम क्रीडा हुई इसलिए परमात्मा ने बाहर निकाल दिया सतलोक में भी काम क्रीड़ा हो रही है सतलोक में भी विकार उत्पन्न हुए पड़े हैं तो भाई सांकेतिक ज्ञान है ये सारे अक्षर पुरुष कौन है ये सांकेतिक ज्ञान है काल भगवान कौन है ये सांकेतिक ज्ञान है अष्टांगी क्या है ये, ये सांकेतिक ज्ञान है तीन गुण क्या है ये सांकेतिक ज्ञान है और असली राम क्या है ये भी सांकेतिक ज्ञान है जिसको सैन बैन कहते हैं सैन यानी संकेत सांकेतिक ज्ञान सांकेतिक ज्ञान का मतलब सैन बैन बैन मैंने ज्ञान और सैन मैंने संकेत संकेतों के द्वारा जो ज्ञान समझा दिया जाए उसे सैन बैन कहते हैं तो साहिब समझा रहे हैं कि ये सब संकेत दिए गए तुम्हें समझाने के लिए सृष्टि रचना को धर्मदास ये जग बौराना कोई न जाने पद निर्वाणा यही कारण मैं कथा पसारा मैं कथा पसारा इसी कारण मैंने कथा पसारी है इन सब से कहिए एक राम न्यारा वो राम सबसे न्यारा है इस कथा को हमने सांकेतिक रूप में समझ लेना है ये जो सृष्टि रचना की कथा है ये सांकेतिक ज्ञान है इसको समझ लो और फिर मूल ज्ञान में आ जाओ बस तब हर चीज क्लियर होती चली जाएगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग कबीर कबीर तो करना सीख गए इज कबीर इज कबीर तो सीख गए लेकिन व्हाट इज कबीर ये नहीं जान पाए दुख इसी बात का साहब कह रहे कबीर कबीर क्या करे खोज आपन शरीर और दसहू इंद्रिया बस में कर तू आपे आप कबीर तुम ही कबीर हो तुम ही आत्मदेव हो लेकिन तुम अपने आप को जीव अवस्था में पहुंचा के बंधन में पड़े हो तुम दृष्टा अवस्था में आके बंधन में पड़ गए हो